उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में नालूपानी के पास तीर्थयात्रियों से भरी एक बस भागीरथी नदी में जा गिरी है। अब तक 22 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 4 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस में तकरीबन 30 तीर्थयात्री सवार थे। इनमें से अधिकतर यात्री मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। SDRF के अलावा पुलिस के जवान, जल पुलिस और ITBP की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी है। नदी का जलस्तर बढ़ने से राहत और बचाव कार्य में परेशानी आ रही है। जोशियाड़ा बैराज को पानी छोड़ने से भी रोका गया है ताकि नदी का जलस्तर कम हो सके। हादसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक व्यक्त किया है। CM ने मुख्य सचिव को राहत और बचाव कार्य के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। चिन्यालीसौड़ अस्पताल को नोडल बनाया गया है। मृतकों का पंचनामा भी वही होगा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भीषण हादसा हुआ है। एक बस खाई में जा गिरी है, जिसमें तकरीबन 22 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है।